दोस्तों आपके लिए YouTube की ओर से ब्रेकिंग न्यूज। आपको तो पता है 2024 आने वाला है, YouTube की ओर से बहुत सारे ऐसे गुड न्यूज निकल के आएंगे जिसमें से कुछ न्यूज के बारे में YouTube आप लोगों को पहले से सावधान कर रहा है और आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों YouTube AI को इंक्लूड कर रहा है जिससे क्रिएटर को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। पर आप लोग यह मत भूलना कि जहां ज्यादा फायदा होता है वहीं पर ज्यादा नुकसान भी होता है। तो चलो हम लोग पहले फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो AI की मदद से बनाया जाता है और इसकी मदद से जो वीडियो बनाया जाता है वो अच्छा भी लगता है और बहुत ज्यादा व्यूज भी आते हैं, मिलियंस व्यूज आते हैं ऐसे वीडियो पे। और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो बस AI की मदद से वीडियो को बना रहे हैं और मिलियंस व्यूज भी ला रहे हैं एंड पैसे भी कमा रहे हैं AI की मदद से बस। और AI की मदद से लोगों का जो एक्सपीरियंस है YouTube पे बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। AI के तो फायदे बहुत ही ज्यादा है बट इसके नुकसान भी है। तो चलो नुकसान के बारे में थोड़ा बात कर लेते। AI का बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई थी AI की मदद से ही बनाया गया था जो बहुत ही ज्यादा डेंजर हो रहा है AI, क्योंकि AI की मदद से आपके फेस को भी चेंज कर दे रहे हैं एंड आपके आज भी निकालवा दे रहे AI की मदद से। और आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये वीडियो या फोटो आपकी जो AI की मदद से एडिट किया गया है। इसका यूज करने से आपकी वीडियो या आपका फोटो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो AI का यूज करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलो बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि AI पे YouTube ने क्या क्या रूल लगाए हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि YouTube AI को खुद ही इंक्लूड कर रहा है पर इस पर भी बहुत सारे रूल लगाए हैं। अगर YouTube AI पर रूल कोई नहीं लगाता तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इस रूल को फॉलो नहीं करते, इग्नोर मारते हो तो आपके चैनल को YouTube टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। तो आप जब भी YouTube पे AI की वीडियो अपलोड करोगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको आपको ऑन करना है, जिसका नाम है अल्टर और सिंथेटिक कंटेंट। अगर आप इसको किसी AI के वीडियो में ऑन नहीं करते तो YouTube की जो टीम है ना आपके वीडियो को डिटेक्ट कर लेगी कि AI की वीडियो है एंड आपको एक अलर्ट देगी। अगर आप इसको हर वीडियो में ऐसे दोहराते हो तो आपके चैनल को टर्मिनेट भी कर देगी YouTube की टीम। अब आप लोग यह मत सोचना कि इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप लोग YouTube पे कुछ भी AI के वीडियो डाले एंड आपका चैनल सेव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ टॉपिक पे ज्यादा ही ध्यान देना होगा, जिसमें कोई इलेक्शन हो गया, नॉन गोइंग कंटेंट हो गया, पब्लिक ऑफिशियल हो गया, पब्लिक क्राइसिस हो गया, इन टॉपिक पर आपको ज्यादा ही ध्यान देना है। और जैसे ही सेटिंग को ऑन करोगे आपके वीडियो पे कुछ ऐसा दिखने लगेगा जैसे कि आप लोग कोई पेड प्रमोशन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हो एंड सेटिंग को ऑन करते हो, जो पेड प्रमोशन की जो सेटिंग होती है उसको ऑन करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे पेड प्रमोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप जो इस सेटिंग को ऑन करोगे, जो AI की जो सेटिंग होगी अलर्ट सिंथेटिक कंटेंट को आप लोग ऑन करोगे तो आपके भी कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो।